That's why कि आप क्या लिखेंगे when you go to guest cabin in window AC follow the step now, यानी कि जब आप कभी जाएं विंडो एसी में गैस चार्ज करने तो क्या करें, इस नियम का फॉलो करें, यानी कि अनुसरण करें। तो आपको क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे उसको ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम करेंगे विंडो एसी में गैस चार्ज करने जाएंगे तो फ्लश द कंडेंसर, यानी क्या करेंगे सबसे पहले कंडेंसर को फ्लश करेंगे, कंडेंसर की सफाई करेंगे जो कि मैं बता रखा हूँ, है ना। आज इसका प्रैक्टिकल टोटल जो मैं बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे किया जाएगा। अब देखिए नंबर दो, फ्लश द कंडेंसर प्लस कूलिंग कॉइल बोथ, यानी कि कूलिंग कॉइल और कंडेंसर दोनों को फ्लश एक साथ फ्लश करना, ठीक ना। ये मैंने दोनों बता रखा है पहले ना, प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट तीसरा स्टेप आपको लगाना पड़ेगा वैक्यूम द सिस्टम बाय यूजिंग वन साफ कंप्रेसर एंड वैक्यूम पंप। आप क्या करेंगे सिस्टम को वैक्यूम करेंगे, यानी कि ये सब जो आप दोनों क्रिया करते हैं तो सिस्टम के अंदर हवा हो जाती है और पूरी तरह से हवा को बाहर निकाले बिना और गैस चार्ज कर देंगे तो फिर हमारी जो एसी होगी उसमें बर्फ जमेगा और लाइनें ब्लॉक हो जाएगी, कूलिंग करना बंद कर देगी। इसलिए हम सिस्टम को वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के दो प्रकार होते हैं, साफ कंप्रेसर का यूज करके और वैक्यूम पंप का यूज करके। कैसे करते हैं ये हम आज दिखाएंगे प्रैक्टिकल में। देन तब क्या करेंगे आप गैस चार्जिंग विंडो एसी, उसके बाद आप गैस चार्जिंग का स्टेप करते हैं, यानी कि गैस चार्जिंग जब भी करने जाएंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेप फॉलो हो जाने के बाद ही गैस चार्जिंग का स्टेप आप करेंगे। ये सब बिना किए गैस चार्जिंग कभी भी आप एसी में कर सकते नहीं है। चलिए उसके पहले हमें सिलेंडर हमारे पास सही है, गैस चार्जिंग गैस का सिलेंडर है, इसमें अगर गैस आपकी फ्री ऑफ 22 चार्ज होती है, फ्री ऑफ 22 का मेरे पास 134 है। बस प्रैक्टिकल के लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ कैसे किया जाता है ये बताने के लिए, ठीक ना। बट एसी में आपकी जो एसी 22 चार्ज होती है 32 चार्ज होती है ना, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में बस दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। इसके पहले इसको हम इसमें कैसे कनेक्ट करते हैं ये जान लीजिए, ठीक ना। ध्यान से देखिए इसमें है ना ये वाल्व, इसको देख लीजिए, ये जो वाल्व है जो इसको हम कसते हैं टाइटली ये बाहर आता है ना, अब आ रहा है ना इसे ये बाहर आता है, इसको हम वापिस क्या करते हैं क्लोज करके बिल्कुल अंदर करके तो हम करते क्या है इसके लगाते हैं, ठीक ना। चलिए अंदर जा चुका है ना यहाँ पे, अब क्या करते हैं सिलेंडर पर लगाएंगे। देखिए सिलेंडर पर हम ऐसे इसको टाइट करते हैं, हो गया ना, इसको नहीं पकड़े तो ये घूमने लगेगा। यहाँ से पकड़ कर अच्छे से सिलेंडर पे टाइट कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाने के बाद ये नीचे वाले क्या कर लेते हैं टाइट कर लेते हैं। अभी टाइट हो गया तब जाके हम इसको जब कसेंगे तो जो अंदर आता है वो लॉक इसका तोड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए हम करके दिखाते हैं कैसे टूटेगा, आराम से कस लेगा, ठीक ना। देखिए इसका लॉक क्या हो चुका है, टूट चुका है। कैसे टूट गया है इसको देखने का मैं दिखाता हूँ, गैस निकलेगा अभी निकल रहा है ना, तो क्या हो गया इसका लॉक जो है वो टूट चुका है, ठीक। तो इस तरीके से किया जाता है, पहले ही कसते कभी भी नहीं कसेंगे, तो पहले लॉक टूट गया तो इसको कसेंगे पूरा गैस निकल जाए, ठीक है। तो इसको ऊपर करके तब हम कसते हैं, ठीक है, यानी कि इसको खोल कर इसका इसको कस लेते हैं तो इसका लॉक जो होता है वो टूट जाता है। अभी इसका लॉक टूट चुका है तो चलिए हम प्रैक्टिकल में देखते हैं किस तरीके से हम गैस चार्जिंग करेंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहला काम मैंने बताया था कंडेंसर को फ्लश करना है ना, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या हमारा है कंप्रेसर, ये हमारा कंप्रेसर और ये इसकी लाइन है डिस्चार्ज, ठीक ना। देखिए ध्यान से ये डिस्चार्ज लाइन है ना, तो यहाँ से गैस निकल कर जाती है और ऐसे होते हुए इस तरीके से होते हुए कंप्रेसर में यहाँ का जो कंडेंसर है इसमें क्या करती है प्रवेश करती है, यानी कंप्रेसर से निकल कर ऐसे होते हुए कंप्रेसर में इस कंडेंसर में प्रवेश करती है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना ये कैपिलरी लाइन वेल्ड है, तो यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे देख रहे हैं ना, इसमें फिल्टर ड्रायर नहीं लगाया, ये आपका जो लगा है ये वाल्व है टू वे वाल्व, क्योंकि जब एसी बैटन की आसपास आती है तो ये फिल्टर ड्रायर इसमें नहीं होता, टू वे वाल्व लगा दिया गया है, तो नीचे दो और ऊपर से एक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर लगा है कैपिलरी, तो आप यहाँ पर गर्म करके यहाँ पर छुड़ा लेंगे और यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, ठीक ना। जब अत्यधिक प्रेशर होगा तो क्या करेंगे हाथ को हटा लेंगे, ठीक। जब तक इसमें से कचरा आना ना बंद हो तब तक यहाँ पे हाथ लगाना वाला क्रिया करते रहेंगे, और जब कचरा आना बंद हो जाएगा तो क्या करना होगा आपको इस पाइप को लगा कर यहाँ पे वेल्ड कर देना है। वेल्ड करने के बाद अब देखिए इधर अब कंडेंसर और कूलिंग पाइप दोनों को फ्लश करेंगे ना, ये वाला खोलना पड़ेगा। हाँ तो आपने इसको कर लिया ना, यहाँ चार्जिंग लाइन को खोल देंगे जिससे आपका क्या करेगा इसको ना खोले, केवल चार्जिंग खोल देते यहाँ से हवा आपकी खींच रहेगा और फेंकेगा, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों करने के लिए, इसको आप यहाँ से वेल्ड करें, दिख रहा है ना जो हमने यहाँ से निकलवाया था अभी इस वाले को, इसको इसमें डाल के वेल्ड कर लेंगे, और वेल्ड जब कर लेंगे तो गैस इसमें मतलब हवा इसमें से जाएगी और जाने के बाद इसमें होकर इससे इससे निकल कर इसके अंदर प्रवेश करेगा, है ना।
और प्रवेश करने के बाद वापस क्या होगी, इससे होते हुए आएगी, है ना। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ से इसको छुड़ा लीजिए और यहाँ पर अंगूठा लगाइए, यहाँ पर देख रहे हैं ना ज्वाइंट है, तो यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे। जब प्रेशर अत्यधिक हो जाएगा तो इसको भी हटा लेंगे, तब तक ऐसा करेंगे जब तक इसमें से आयल आना बंद न हो जाए। और ऐसा इसको करना नहीं पड़ता फ्लश, केवल विंडो एसी को वैक्यूम और गैस चार्जिंग किया जाता है। जब कभी एसी में ऐसा लगता है कि आयल चढ़ गया, निकलकल की आवाज़ आने लगी कूलिंग कॉइल में से, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर इसमें पानी की मात्रा हो गई, तब उसको तो निकालना पड़ेगा ना, तो उस स्टेट में इसको फ्लश करना पड़ता है, उसके पहले नहीं। जब ऐसा हो तभी इसको आप करेंगे, वो भी 10-20 साल चला ऐसी है तब ऐसा होता है, इससे नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे और तब तक फ्लश कर जब तक कि पूरी तरह से आपके अंदर की इसके अंदर की आयल आना बंद न हो जाए। जब बंद हो जाएगा तो अब हम करेंगे इसको वैक्यूम, और वैक्यूम करने के लिए यहाँ से इसको वेल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ पर हम लगाएंगे अब अपना पाइप। तो चलिए देखते हैं कैसे वैक्यूम करेंगे, फटाफट पाइप कनेक्शन करके बता देते हैं। हमने क्या कर लिया, ये चार्जिंग लाइन है ना यहाँ पे दिख रहा है, चार्जिंग लाइन हमने इसको कनेक्ट कर लिया, और ये हमने कर दिया कंपाउंड गेज में, और यहाँ से हम प्राप्त कर देंगे वर्कशॉप कंप्रेसर की सक्शन लाइन में। हम वर्कशॉप कंप्रेसर सिस्टम को वैक्यूम कर रहे हैं, जब इसको स्टार्ट करने क्या करें, पूरा खींच कर बाहर निकाल देंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर है और ये इसकी सक्शन लाइन है। चलिए अब इसे फटाफट इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देख रहे हैं ना इसकी सक्शन लाइन, क्या कर देंगे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अभी कनेक्ट हो गया, अब करेंगे क्या, इसको स्टार्ट कर देंगे, जब इसकी सुई -30 पर आ जाएगी समझ लो सिस्टम क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। तो हमारा सिस्टम पहले से वैक्यूम है, इसलिए मैं वैक्यूम का प्रोसेस बस बता रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि इसमें गैस हमारा इसके अंदर है, तो मैं दिखा दूँगा गैस है कि नहीं। तो सिस्टम ऐसे ही वैक्यूम है, जब इसके अंदर गैस है तो सिस्टम वैक्यूम है। जब आप एसी में गैस चार्ज करने जाएंगे तो वैक्यूम करने का ये प्रोसेस लगाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे सुई 0 से -30 पर आएगी, जब 30 पर आ जाए समझ लिया सिस्टम क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से वैक्यूम हो चुका है। अब लास्ट स्टेप अपना है गैस चार्जिंग करना, ठीक ना। तो चलिए अब गैस चार्जिंग में बता देता हूँ मैं कैसे होगा, इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छुछिया लगा होता है, इधर लेके आओ, यह है ना यहाँ पे, ये अब इसको अगर हम दबाएंगे यहाँ से दिख रहा है ना, इसको अगर हम दबाएंगे तो क्या होगा, आपका जो लॉक है ये ओपन होगा, यहाँ से गैस निकल, देखिए निकल रहा है ना, तो इसके अंदर हमारी गैस चार्ज है, तो ऑलरेडी इसमें हवा तो नहीं है, है ना। अब इसके अंदर थोड़ी सी गैस कम है तो हम गैस रिफिल करके आपको दिखाएंगे कि गैस कितना है। चलिए पहले हम चेक करते हैं गैस इसके अंदर कितना चार्ज की गई है, तो कैसे चेक करते हैं इसको आप जान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला वाल्व, इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला इधर ही कसा है, तभी स्विचिया जो है ये दबाएगा तो जाके इसका लॉक ओपन होगा, इस साइड का इस इधर हम कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, उल्टा नहीं करेंगे। चलिए तो हम इसको खोल लेते हैं, और याद रहे ये आपका बिल्कुल क्लोज रहेगा, ये ओपन नहीं होगा, ठीक ना, इसको अच्छे तरीके से क्लोज रखेंगे। अभी इसको हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसके बाद पकड़िए। अब देखिए यहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से लगा कर, ठीक ना, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसे लगा कर और इसी पे हम कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि उसको छोड़ कर टूट जाएगा लॉक ना, ठीक ना। अब देखिए गैस निकल लगाना, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल टाइट हो गया, तो इस तरीके से क्या हो चुका है, बिल्कुल टाइट हो चुका है, ये गैस का प्रेशर नहीं बता रहा है, देखिए एक मिनट, गैस तो निकल रहा है ना, तो ये कनेक्शन इसका स्टार्ट, देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्या बता रहा है यहाँ पे, आपका गैस का प्रेशर बताने लगा कि इसमें जो गैस है वो 100 के आसपास है, तो गैस भी हमारे अंदर इसमें कब चार्ज है ऑलरेडी, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है, अब हम जब गैस चार्ज में बता रहे कितना इसका प्रेशर है, अभी फिलहाल में ये बैक प्रेशर बता रहा है, इसका बैक प्रेशर समझते हैं, यानी कि स्टैंडिंग प्रेशर फिलहाल में इसका है, बैक नहीं स्टैंडिंग मतलब होता है ऑफ प्रेशर, तो स्टैंडिंग प्रेशर बता रहा है 134 का, तो फिलहाल में इसका जो प्रेशर होता है स्टैंडिंग प्रेशर वो ज़्यादा होता है, तो भी ये कम है, ठीक है, 125 के आसपास जाएगा, तो हम इसको अभी इसका जो प्रेशर होता है उतना है नहीं, कम गैस चार्ज, अभी देखिए यहाँ से गैस में खुलेगा तो यहाँ से निकलेगा, ठीक ना, निकल रहा है ना, देखिए यहाँ पे कम भी होगा, इस फिर कम जा रहा है, पैसे निकलता है, तो इस तरीके से। चलिए इस पर हम लगाते हैं, ये हमने पाइप को वैक्यूम कर दिया ना, ये पाइप पूरी वैक्यूम हो चुकी है, ये करना भूलिएगा नहीं कभी, ये दिख रहा है ना वाल्व, वाल्व होना बहुत जरूरी है, बिना वाल्व के नहीं लगाएं पाइप, ये ब्लैक वाला, नहीं तो गैस लीक करेगा। तो चलिए हम इसको भी वैक्यूम कर लेते हैं पाइप को, आप चाहें तो उससे सिलेंडर का चाहे तो इससे भी कर सकते, क्योंकि इसमें गैस तो मैं इसी से कर दे रहा हूँ, ऐसा करने के लिए नॉर्मल सा करेंगे क्या, इसको हल्का सा यहाँ से खोल देंगे, ऐसे खोल दिए ना, गैस निकल रहा है ना यहाँ पे, निकलने के दौरान में इस सिलेंडर में क्या करते हैं, लगा देते हैं ऐसे, गैस को निकल देते हैं, वो बर्बाद हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ को आप कर लेंगे अंदर गया। चलो अभी इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे अच्छे से इस समय ही कस लेंगे ताकि इसके अंदर हवा बिल्कुल ना जाने पाए, हो गया ना, तो
ये क्रिया हम कर लिए, पाइपों का कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे गैस चार्जिंग, तो स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर को और करेंगे गैस चार्जिंग, है ना। तो ये फैन को नहीं चालू करेंगे, केवल गैस ही चार्ज करना है। तो कंप्रेसर चालू करेंगे, अपना गैस खींचेगा लेगा तो गैस चार्ज हो जाएगी, कूलिंग होगा तो पता चलेगा ही चलेगा। चलिए हम गैस चार्जिंग का स्टेप फॉलो करते हैं, यानी कि कंप्रेसर को चालू करते हैं और गैस चार्ज करते हैं, कैसे किया जाता है वो देखते हैं। स्टार्ट कंप्रेसर चल रहा है, फिलहाल वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट आपका हो रहा है, देख रहे हैं ना कंपिंग जी, चल रहा है साइड में कर लो। और अब देखिए यहाँ पर आपका प्रेशर बता रहा है गैस का, इधर है ना खींचने वाला काम कर रहा है। अब यहाँ से हम गैस खोलो, क्या करेंगे इसमें हम चार्ज करेंगे, हाँ कम हो जाएगा ना, इतना गैस इसमें है ही है, इसको 10 पॉइंट चार्ज करेंगे, ठीक ना। ये फिलहाल में क्या बताया है देखिए, सर उसको 10 पॉइंट चार्ज करेंगे, ये दिख रहा है ना इधर से लाइट जल रहा है, दिख जाएगा यहाँ पर जो है आपका प्रेशर बता रहा है कितनी इसमें गैस चार्ज है। और इसको हम करते हैं 10 पॉइंट तक चार्ज, है ना। तो अब करेंगे क्या, इस सिलेंडर को उल्टा करके पूरा इसको खोल लेते हैं, तो पूरा पहले ओपन कर लेंगे, ठीक ना, देख रहे हैं इसको पूरा ओपन कर देंगे। पाइप का कनेक्शन याद रहे, उल्टा नहीं करेंगे, ये इसका देखिए ये वाला होता है इनपुट, ये वाला होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट, ठीक ना, इससे आपका गैस जाएगा और इससे आएगा, ठीक है ना। इसे अगर उल्टा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अब मैं गैस खोलूंगा तो ये ऊपर जाएगा जितना मैं खोलूंगा, देखिए तो एक पाइप गैस खोलेंगे ऐसे, इस तरीके से गैस को खोलेंगे, खोले ना गैस अंदर गया, अब वापस इसे बंद कर लेंगे, ऐसे गैस चार्ज किया जा रहा है ना इसमें, यहाँ पे देखिए बर्फ जम रहा है ना इधर नीचे, दिख रहा है ना वो हीट होगा, कंडेंसर भी गर्म होगा, ठीक ना। तो आपका जो कंडेंसर होता है ये गर्म होता है और कूलिंग का क्या होता है, ठंडा होता है। गैस चार्जिंग करते समय मैंने बताया था ना, अब एक पाइप गैस जाएगी तो कूलिंग पैल ठंडा होगा, कंडेंसर गर्म होगा, दिख रहा है ना इधर बर्फ जमने लगा धीरे धीरे, ये आपका गैस अब इसके अंदर जा रहा है, ठीक ना। अब फिर एक बार आराम से करो, एक पाइप मैंने गैस चार्ज किया, कम से कम 10 सेकंड का टाइम लेते हैं जैसे मैंने बताया था रूल में। अब जब गैस एक चक्र पूरा हो जाए तो फिर से इसको हम एक बार खोलेंगे, ठीक। तो देखिए अब फिर से एक बार खोलते हैं, जब ध्यान से देखिए एक बार इसको फिर से ऐसे हम क्या करेंगे, खोलेंगे ये गैस गई, बस इतना से खोलेंगे वापस इसको बंद कर, देखिए यहाँ पे गैस जा रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे उसका आवाज़ बदला ना, आवाज़ भी बदलती है कंप्रेसर की, ठीक। अभी देखिए इसमें गैस यहाँ से चली गई इधर, और जो इधर चली जाएगी यहाँ जा रहे हैं ना, ये बदलता रहता है, सब बदलता, पता चला कहाँ कहाँ गैस जा रही है, चली गई गर्म हो रहा है, कंडेंसर जब गर्म होगा तो उतना ही, देखिए कूलिंग बल्ब कितना ठंडा होने लगा है ना। तो इस तरीके से गैस चार्जिंग करते हैं, जितना वो गर्म होगा उतना ही ये ठंडा होगा, ठीक। अभी कोई ज्यादा नहीं फ्री हो, ये 134 है ना, इसमें 22 चार्ज आती है, 22 चार्ज बहुत जल्दी इसका प्रेशर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये बिल्कुल ये ठंडी हो गई है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बर्फ जम रहा है, ठीक ना। लेकिन कूलिंग यहाँ पे एक पाइप कूलिंग हो रही है, दूसरा पाइप भी कूलिंग हो, जब गैस पूरा चार्ज हो जाएगी, गैस एक पाइप नहीं हो रहा, चिपक रहा है, होगा अभी चिपक रहा है, डिस्चार्ज लाइन वो गैस जो है फ्री ऑन है, चिपक। चलिए देखिए अब काफी ठंडा हो गया, तो देखिए यहाँ पर इधर गर्म हो रहा है, इस साइड बिल्कुल ही ठंडा है ना, उधर गर्म हो रहा है ना, तो कंडेंसर जितना ही गर्म होगा कूलिंग पैड उतना ही ठंडा होगा, लाइट को ध्यान देना, लाइट इधर ध्यान देना, इधर कम गर्म ठंडा, इधर काफी ठंडा है ना, लाइट अब ध्यान दो, बताइए इधर कम नहीं, इधर से क्या जा रहा है ना, ये तीन लाइनों में ऐसा हो गया, कुछ देर बाद इसका कलर बदल जब यहाँ से गैस का क्या जा रहा है, बदल गया इसको चालू, एक बंद है चालू, कितना मिनट हुआ, फिलहाल में अच्छी कूलिंग चालू हो चुकी है ना, देखिए इसमें एयर वियर अब ये चलेगा, यहाँ जब हवा क्रॉस करेगी तो बिल्कुल ठंडा होगा, ठीक ना। एक बार और खोलिए सर, हो गया, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, पहले आप देखना फिर यहाँ, अब देखिए आपका जो है गैस यहाँ पे जो गया अंदर, तो देखिए इस पे बर्फ जम रहा है ना, अभी कुछ देर बाद इसका जो कलर होगा वो बदल जाएगा, गैस बदल चले जाएगा, देखे ना, तो इस तरीके से गैस इसमें जाती है और वापस इससे होकर इसके अंदर आती है। तो फिलहाल में इस पाइप में बर्फ जम रहा है, यानी कि यही वाली पाइप में गैस जा रहा है, ये इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये दो लाइन का कनेक्शन इधर है ना, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ के यहाँ से इधर का पूरा 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 ठंडा होगा, इधर का ठंडा नहीं, यहाँ पे वाष्प निकल रहा है ना इसमें से, देखिए ये इधर वाइट हो चुका है और काफी कूलिंग हो चुकी है ना, उसका कलर बदला है ना वहाँ पे, नीचे खनाई कुछ है, ये जब इसमें जाएगी तब इधर होगा, ठीक ना। तो फिलहाल में काफी ठंडा हो चुका है ना, कीजिए सर ये अगर इसको हम कर दें स्टार्ट, इस फैन को तो आपको बिल्कुल हवा खींच कर ठंडा हवा, चलो है ना, चलो नहीं रहे
ये काफी ठंडा हो चुका है, एक बार अभी चालू करके दिखा देंगे कैसे करेगा। सर एक बार और कीजिए। अभी देखिए गैस थोड़ा सा बढ़ाना है फिलहाल में, यहाँ पे था ना ये जीरो पे गया। गैस पूरा चार्ज करना आप कितना है 10 पाउंड, यानी कि ये जीरो से लेकर यहाँ तक फ्री होने को चाहते इसको 10 पाउंड चार्ज करते हैं, तो हम पूरा नहीं चार्ज कर रहे हैं, मतलब कोई है नहीं, क्योंकि फिर निकालना ही है ना, बस आप समझ गए ना, ऐसे चार्ज किया जाता है। एक बार और कीजिए सर, यहाँ पर चली आएगी, समझ लीजिए गैस चार्जिंग फुल हो चुका है, इसको चार्ज कर रहे हैं तब। लेकिन 22 यहाँ पे चार्ज करेंगे उसका प्रेशर होता है आपका 60 के 65 ना, तो यहाँ तक इसके बीच में है ना, बहुत टाइम नहीं, टाइम कम लगेगा, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर कम है इसमें, ठीक ना। एक बार और कीजिए सर, वहाँ तक नहीं आ जाए उसको खोलते बंद। हाँ ऐसे ही खोलेंगे, ठीक ना, हर 10 सेकंड बाद इसको खोलेंगे बंद करेंगे, ये स्टेप होता है। गैस चार्ज पूरे जाने के बाद इसको पूर्ण रूप से क्लोज कर दे, इसको पकड़िए थोड़ा सा, इसको पूरी तरह से बंद करते हैं अच्छे से इस वाले को, ठीक ना। और बंद करने के बाद जब बिल्कुल अच्छे से बंद हो जाए तब इसको पूर्ण रूप से यहाँ से खोल देंगे। क्यों खोलेंगे? ताकि जो पाइपों में गैस है वो सिस्टम में चली जाए, तो इसको अच्छे से एक बार खोल दें। देखिए खोल दिए ना, अब देखिए सुई आ गई आपकी नीचे, यानी कि गैस जो चार्जिंग हो गई वो 0 पॉइंट तक चार्ज हो चुकी है ना। अब आपको चार्ज करना है, अगर 600 चार्ज करें 0 तक चार्ज करें 600 ए, लेकिन ये हमारी गैस है 134, इसको 10 पॉइंट चार्ज करेंगे, 22 चार्ज करेंगे तो 65 चार्ज करेंगे, 32 चार्ज करेंगे तो उसका प्रेशर कुछ और होता है ना। तो हर एक गैसों का अलग अलग प्रेशर होता है, मैं लिखवा रखा हूँ, वीडियो बना रखा हूँ, तो हर एक गैस का अलग अलग प्रेशर होता है, उतना हम गैस को चार्ज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो गैस चार्जिंग का स्टेप खत्म हुआ। गैस चार्जिंग पूरा जाने के बाद करना क्या होता है, यहाँ से अच्छे से इसको पकड़ कर, अच्छा इसको पिलास से अच्छे से यहाँ पकड़ के अब इसको खोल लीजिए, ठीक ना। देखिए खोल लिए, गैस चार्जिंग हो गया, बस आपकी एसी को लगा देना है, आपका चार्जिंग होता रहेगा। या कुछ लॉक हो जाती है, इसके ऊपर एक ऐसा लॉक होता है ना, इसको लगाना ना भूलें, ठीक ना। जब गैस चार्जिंग पूर्ण हो जाए तो ये वाला लॉक दिख रहा है, इस पे लगाना है ना भूलें। क्या कर रहे हो? ये गर्म कर रहा है, गर्म तो करेगा, होता है ना, ये हो गया ना, देखिए इसे लॉक करके छोड़ देते हैं। कंडेंसर बिल्कुल ही गर्म होगा अच्छे से, जितना कंडेंसर गर्म, देख रहे कितना गर्म हो रहा है यहाँ पे, बहुत गर्म, तो जितना ही कंडेंसर गर्म होगा उतना ही कूलिंग होगी, ठीक ना। पानी आ रहा है, स्टार्ट किए अब कूलिंग कब होगा, जब इसका फोम पूरा पैक होगा यहाँ से, तो हवा यहीं पे निकाल दे रहा है ना, तो पैक जब होगा तो यहाँ से हवा ऐसे होके यहाँ से बाहर आएगी, इसके ऊपर गर्म होगा, कुछ देर बाद होगा, इंस्टॉल कवर यहाँ पे होता है, ठीक ना। हाँ तो इस तरीके से होगा, जब इसका कवर लगा देंगे ना, तो यहाँ से हवा ऐसे होके यहाँ से खींचेगा, यहाँ से होके इधर आएगी, कुछ देर बाद गर्म होगा। अभी कवर लगाया ना, कैप लगाओ, कॉल भी आता है इससे, कॉल लगा दो, देखते हैं ये हो रहा है ना, अभी इधर से हवा जो होगी यहाँ से आने लगी, हो रहा है सर, इस तरीके से हवा आ रहा है, इतना दूर तक आएगा, ये तो बता दो चालू नहीं हो रहा, गर्म हो गया था, हाँ ठीक है, अब कंप्रेसर भी चालू हो गया, ठीक ना, कंडेंसर दे रहा हूँ, हम यहाँ से घुमाते हैं इस रोटरी स्विच, तभी तो ऑन होगा, तो वो रोटरी स्विच घुमाते हैं, अब ऑन हो गया, अभी ये कूलिंग करने लगा ना सर, ये रहा रोटरी स्विच सर, अब वो क्या है सर, थर्मोस्टेट, चलो इसको फिर से स्टार्ट करने सर, ये हवा तो नहीं आ रहा है, हवा आ रहा है, कैसे देख रहे हो, हवा नहीं आ रहा है, हो गया ना, ये बिल्कुल ठंडा हो रहा है यहाँ से, हवा कुछ ठंडी आने लगी, अरे ठंडी स्टार्ट कर लो, स्टार्ट है सर, अब देख रहे ठंडी हवा आने लगी यहाँ से, तो इस तरीके से कूलिंग अब आपका प्रारंभ सर, ये खुला ही रहेगा, ये महान होगा, इसे बताया नहीं गया कैसे क्या होगा, इसमें ये तो बंद रहेगा, बट क्रिटिकल करा हो ना इसका, कैसे कूलिंग करेगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कूलिंग हो रहा है ना, इस तरीके से आपका कूलिंग होता है, हाँ इस तरीके से आपकी जो एसी में गैस चार्जिंग थी पूरा स्टेप था वो हो चुका है, अभी ठंडी ठंडी हवा आने लगी है, चलिए फिलहाल में बंद।